नाथन लॉयन ने ऑस्ट्रेलियाई ऑफ स्पिन गेंदबाज ने बनाया एक और कीर्तिमान और न्यूजीलैंड के साथ खेली जा रही टेस्ट सीरीज में रच डाला इतिहास। वेस्ट इंडीज के धाकड़ तेज गेंदबाज कटनी बॉल्स के 519 टेस्ट विकेटों के रिकॉर्ड को भी ब्रेक कर दिया और तीसरे ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज बने हैं जिसने सबसे अधिक टेस्ट क्रिकेट में विकेट लिए हों ऑस्ट्रेलिया के लिए। जहां तक बात है तो 519 का जो रिकॉर्ड था कटनी बॉल्स का उससे आगे निकल चुके हैं नाथन लॉयन और बड़े अच्छे गेंदबाज हैं और सातवें ऐसे गेंदबाज बने हैं दुनिया के जिसने सबसे अधिक विकेट लेने वालों की लिस्ट में पहुंचे हैं नाथन लॉयन। तो 519 से ऊपर उनकी संख्या हो चुकी है। आइए नज़र दौड़ाते हैं सबसे अधिक विकेट लेने वालों गेंदबाजी की। जहां तक बात करें तो आठ ऐसे गेंदबाजों की, इसमें नंबर एक पर देखें तो सबसे ज़्यादा टेस्ट विकेट लेने का रिकॉर्ड सब जानते हैं कि मुथैया मुरलीधरन के नाम है, जिनका 133 है टेस्ट खेल करके 800 विकेट थे, 51 रन दे करके 9 विकेट लिए थे एक पारी में और 220 रन देकर 16 विकेट एक मुकाबले में। शेन वॉर्न एक बहुत बड़ा नाम, बिल्कुल आसान नहीं रहता किसी भी लेग स्पिन गेंदबाज के लिए, 708 विकेट 145 टेस्ट खेल करके दूसरे नंबर पर हैं। जेम्स एंडरसन 698 विकेट, ये भी एक बड़ा अचीवमेंट है दोस्तों एक तेज गेंदबाज के लिए। अनिल कुंबले भारत के 619 टेस्ट विकेट 132 टेस्ट खेले हैं और ये रिकॉर्ड भारत के लिए सर्वश्रेष्ठ है और बर्ड में नंबर चार पर बने हुए हैं। तो स्टुअर्ट ब्रॉड आते हैं नंबर पाँच पर, 604 टेस्ट विकेट 167 टेस्ट मैच खेल करके। ग्लेन मैग्रा आते हैं 563 टेस्ट विकेट है, बड़ा नाम था ग्लेन मैग्रा का, अपने जब कार्यकाल में खेला करते थे तो सर्वश्रेष्ठ दुनिया के गेंदबाजों में से नंबर वन पर आते थे। कटनी बॉल्स 519 टेस्ट विकेटों के रिकॉर्ड को नाथन लॉयन ने दोस्तों अब ब्रेक कर दिया। यहाँ पर आप जो देख रहे हैं स्क्रीन पर, इसमें जरूर 517 विकेट हैं लेकिन वही मैं दिखाने की कोशिश कर रहा था कि 517 टेस्ट विकेटों से सीधे जा करके 520 टेस्ट विकेटों की संख्या नाथन लॉयन ने पहुँचा दी है और नंबर छः पर अब वो पहुँच चुके हैं। रविचंद्रन अश्विन भारत के वर्तमान में क्रिकेट खेल रहे हैं, 507 विकेट हैं। इसी इंग्लैंड के साथ जो टेस्ट सीरीज खेली जा रही है इसी में उन्होंने ये रिकॉर्ड अचीव किया था, 507 टेस्ट विकेट। वाकई में क्या अद्भुत गेंदबाज है ये, तो देखना होगा रविचंद्रन अश्विन कितना आगे जाते हैं, क्या वो नाथन लॉयन को पीछे छोड़ पाएंगे। और मुझे लगता है कि जरूर अभी उनके अंदर काफ़ी क्रिकेट बाकी है और इस रिकॉर्ड को वो ब्रेक कर देंगे। लेकिन मुथैया मुरलीधरन और शेन वॉर्न का जो दोस्तों रिकॉर्ड है वो आज भी सबके लिए चैलेंज बना हुआ है। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और जितने भी क्रिकेट से रिलेटेड रिकॉर्ड हैं और लेटेस्ट अपडेट है आप तक द स्पोर्ट्स धमाका चैनल तक पहुंचती रहती है। सभी दोस्तों का आखिर तक जुड़े रहने के लिए एक बार फिर से सभी का तहे दिल से शुक्रिया।